एवरीबॉडी, लास्ट टाइम अपन ने 12वीं के फिजिक्स के लिए पहला चैप्टर आवेश से संबंधित जो फिनोमेना है वो अपन ने देखी थी। अपन ने आवेश द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम। उसके बाद में अपन ने वेज ऑफ चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं कि आवेशन की विधियां, तीन प्रकार की मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको आवेश का मात्रक बताया था। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ अपन आगे चलेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, जो कि 12th बेस है, नीट में भी आता है, मेडिकल में भी आते हैं, एयरफोर्स नए में भी क्वेश्चन हॉर्मोन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल जिसको अपन कूलाम बल के नाम से जानते हैं, और इन्हीं से बनेगा कूलाम का नियम, स्थिर विद्युत बल। दो आवेश ले ली, दो स्थिर आवेश ले रहे हैं, एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया। दोनों परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। दो आवेश हैं, दोनों ही स्थिर आवेश हैं, बिंदुवत आवेश हैं, जो Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से परस्पर हवा या निर्वात माध्यम में r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है उसको अपन कूलाम बल बोलेंगे, और जो नियम बनेगा उसको अपन कूलाम नियम बोलेंगे। इस नियम के अनुसार दो आवेश समान प्रकृति की भी ले सकते हैं और विपरीत प्रकृति की भी ले सकते हैं। जिन पे प्लस प्लस रहेगा, जिन पे माइनस माइनस रहेगा, वो समान प्रकृति के हैं। प्लस माइनस रहेगा, वे विपरीत प्रकृति के हैं। एक सजातीय होते हैं, विजातीय होते हैं। देखिए कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपातिक होता है, तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F proportional 1/r² इक्वेशन नंबर 2। दोबारा से मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तथा आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या हो, एक रेखा के अनुदिश। तो अपन इसको मैथमेटिकल तरीके से अपन लेंगे, तो अपन ने बोला है कि F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती, F समानुपाती 1/r². अब अपने पास ये जो दो मैथमेटिकल इक्वेशन है उनको अपन आगे चल के देखें तो ये हो गया F समानुपाती Q1 Q2 r². ये कूलाम का नियम है। इसको ज्यादा अपन डिटेल से समझें, ज्यादा डिटेल से समझोगे तो 11th क्लास का बता रहा हूँ आपको, वापस लेने चल रहा हूँ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लो, याद हो तो तुम्हें दो द्रव्यमान थे, एक छोटा एक बड़ा, उन पे ये आया था m1 m2 1/r² F=G m1 m2/r² वही चीजें हैं। पैरेलल करके समझो इसको, तैयार हो जाएंगे।
मैंने दोबारा से आपको बता रहा हूँ गुलाम के नियम का कथन, सुनो ध्यान से, फिर मैं आपको और बिल्कुल अपन आराम आराम से इसको क्लियर करेंगे। क्या है इस नियम के अनुसार या गुलाम नियम के अनुसार, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, साथ ही इनके मध्य लगने वाला बल है उसकी क्रिया रेखा एक लाइन के अकॉर्डिंग हो, किसके अकॉर्डिंग हो, एक लाइन के अकॉर्डिंग हो, तभी अपने पास ये रिजल्ट आएगा। इसको अपन लिख सकते हैं ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इसको अपन पॉइंट ए ले लें, इसको अपन पॉइंट बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण इस पर बल लग जाएगा, इसके कारण इस पर बल लग जाएगा। लगने वाला बल परिमाण में समान है लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, आगे समझेंगे इसको। अब मैं आगे चल के अपने को लेके चल रहा हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आगे, वो इम्पोर्टेंट है, वो कैसे है देखो जान से, उतार लिया होगा हम से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार के। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, कहेगा एक नियत राशि आएगी जिसको अपन यहाँ एक कॉन्स्टेंट की भाषा बोल देंगे, कॉन्स्टेंट F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन यहाँ डिटेल से क्लियर करें। यहाँ के एक नियतांक है, कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, सब लास्ट ईयर एक बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था, इसी पर डिपेंड था कि दो बोले हैं वो हवाई निवाद माध्यम में रखे हुए हैं, तो उनका डेंसिटी दिया हुआ था और उसी बोलों को 30 डिग्री 60 डिग्री 55 डिग्री जितने भी एंगल पे रख सकता है अगला क्वेश्चन में। फिर उन्हीं बोलों को उसने क्या कर दिया, एक लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में उसका नया रिजल्ट कितना आया वो क्वेश्चन आपसे से पूछा गया था लास्ट ईयर। देखो कैसे यहाँ पे जो के स्थिरांक है समानुपाती नियतांक ये दो चीजों पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मात्रक पद्धति पर और दूसरा निर्भर करता है माध्यम पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साथ साथ लिखते जाओ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना वापस। पहला है मात्रक पद्धति, दूसरा है माध्यम। मात्रक पद्धति 11th क्लास में पढ़ी थी, एमकेएस सीजीएस एपीएस किलोग्राम ग्राम पढ़ा था यार, वही चीजें हैं। पहला जो के समानुपाती नियतांक है ये जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है वो है नंबर एक मात्रक पद्धति, नंबर दो माध्यम। अब मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ लेके चले, यहां मैं लेके चल रहा हूं पहला मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति पहली इसमें है ऐसा ऐसा ही पद्धति, ऐसे ही पद्धति। इसमें जो k की वैल्यू होती है वो होती 9×10⁹। कैसे होती है, क्योंकि जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। मैंने दो चीजें बताई, k समानुपाती नियतांक है, मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम का डिटेल से समझेंगे अपन। तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो है
9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां से आ जाओ साइड में, k इक्वल टू क्या है, f r स्क्वायर q1 q2। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक है वो क्या हो गया, बल को किसमें प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन में, किसमें करते हैं, न्यूटन में। दूरी को किसमें करते हैं, मीटर में। आवेश को किसमें करते हैं, कूलाम में। रटना नहीं है, समझना है। k इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स माइनस, सॉरी कूलाम माइनस टू कर दो चाहे, अपॉन कूलाम स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इस मात्रा की पद्धति में किसका मतलब हुआ, मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, के समानुपाती नियतांक है, किन दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो है मात्रक पद्धति और दूसरा कौन सा है, माध्यम। एक तो क्या है, मात्रक पद्धति है और दूसरा क्या है, माध्यम है। मात्रक पद्धति देख लिया आपने, न्यूटन आ गया, मीटर आ गया, कूलाम आ गया, बड़े मात्रक आ गए, बड़े बड़े, ये आ गया ऐसा ही मात्रक पद्धति। दूसरा है अपने पास वो है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में के वैल्यू क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएस पद्धति में k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, समझना है। कई बार आ जाता है कि सीजीएस पद्धति में समानुपाती नियतांक या स्थिर विद्युत बल नियतांक भी बोल सकते हो आप इसको, जैसा नाम वैसा नियतांक के पीछे लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो ध्यान से, इस साइड में आपको बता रहा हूं मैं, सीजीएस पद्धति में k की वैल्यू कितनी होती है, सीजीएस पद्धति में k की वैल्यू कितनी होती है, k इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये रख दिया जैसा था वैसा का वैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूटन है, किसका मात्रक है, बल का, कौन सी पद्धति में है, एम के एस में, तो इसके मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। अब किस में चल रहे हैं अपन, सीजीएस में, यहाँ सी का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, इसका मतलब लंबाई किस में है, सेंटीमीटर में। ये क्या है, क्या है ये, मास ग्राम में, ये क्या है, समय है किस में, सेकेंड में, ओके। न्यूटन को किस में चेंज करेंगे, डाइन में, तो एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, क्या हुआ, 10^5 डाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार। अब ये है मीटर, मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, तो हो गया मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 10^2 का होल स्क्वायर, ये सेंटीमीटर के साथ अपॉन, ये हो गया कूलाम। कूलाम को मैंने क्या कहा था लास्ट टॉपिक में, कूलाम किस में चेंज होगा, स्टेट कूलाम में होगा, किस में चेंज होगा, स्टेट कूलाम में, स्टेट कूलाम में चेंज होगा। तो मैंने बताया था रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक यूनिट अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 3×10^10। तो इसका बताया था मैंने 3×10^9 का होल स्क्वायर स्टेट कूलाम, तो k इक्वल टू 9×10^9×10^5×10^4 अपॉन 9×10^9×10^9। 3 को 3 से किया 9, 10^9 को 2 times लिखा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो साफ कितनी आई वैल्यू, एक डायन
सेमी स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम का स्क्वायर। दो चीजें निकल के आई है, बिल्कुल हल्के हल्के लेना है, फास्ट नहीं लेना है इसको। क्या करना है अपने को, जो कूलम नियम है स्थिर आवेशों के लिए दिया गया, कम से कम दो आवेश होने चाहिए तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सजातीय है मतलब एक ही जाति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय मतलब विपरीत प्रकृति के हैं, प्लस और माइनस ले लिया, माइनस प्लस ले लिया तो उनमें क्या होगा आकर्षण, उनमें स्थिरांक निकल के आएगा। वो किन दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड होता है, हेयर कॉन्स्टेंट के डिपेंड्स अपॉन नंबर वन इन यूनिट सिस्टम, नंबर सेकेंड इन मीडियम। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला बताया है, ध्यान सुनो, कॉपी पर ले लेना, साथ साथ लिखते रहना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। पहला है इसमें मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति पहली कौन सी है, एसआई पद्धति में k की वैल्यू है 9 × 10⁻¹। अब ये आगे इसको इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या चीजें हैं, यहाँ k की वैल्यू है 9 × 10⁻¹। k की वैल्यू, k का यूनिट निकालोगे साइड में से तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी होगी मीटर में, आवेश का मात्रक हो गया कूलम गुणा कूलम कूलम का स्क्वायर। तो ऐसा ही पद्धति में हो गया, सीरीज पद्धति में डायरेक्ट आप ये रख लेना, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, लेकिन आया कहाँ से है वो बिल्कुल अपने को क्लियर होना चाहिए, उतार लिया था कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला के नियतांक है वो किन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, किन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, नंबर एक मात्रक पद्धति पर, मात्रक पद्धति के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है इसमें, सुनो ध्यान से, क्या है भरोसा, बस दूसरा है माध्यम, क्या है माध्यम, माध्यम बहुत इंपोर्टेंस रखता है इसमें, माध्यम के लिए अपन चेक करेंगे इसको आगे चल के। अभी माध्यम का बहुत इंपोर्टेंस है, ध्यान से सुनना, माध्यम इसमें एक नंबर ले लिया आपने हवा या निर्वात, इसमें अपन ने k की वैल्यू कितना लिखा है 1/4π ε₀। यहां ये जो वैल्यू है वो कहां से निकल के आती है 3.14, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता ε₀, ε₀ भी बोलते हैं इसको, ये ε₀ है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। बताऊंगा हम आगे चल के इसमें निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.854 × 10⁻¹² है, या बताऊंगा अभी इसमें मैं आपको, जहां ये क्या है निर्वात की विद्युत शीलता, इसके बारे में बताया। तो हवाई निर्वात माध्यम के लिए बल कितना आएगा, एयर मीडियम ले लो, हवा ले लो, निर्वात ले लो, हवा लेके निर्वात ले लिया, लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, 1/4π ε₀ Q₁ Q₂ / r²। ये चीजें मैंने बताई हैं, ये मीडियम के लिए मैंने पहले बता दिया था कि पहले एम के आएगा फिर सी के आएगा, दो नंबर मैंने माध्यम ले लिया, माध्यम पहले हवाई निर्वात माध्यम है उसके लिए बल आएगा, वो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इसमें है, दूसरा हवाई निर्वात माध्यम ले लिया, दूसरा आप आपने जैसे पानी के अंदर हाथ डाल दिया या पानी की सतह के ऊपर तैर रहे हैं, ये चीजें अमूमन आपने देखी हैं करके, ठीक है, तो उसमें और हवा में हाथ फैलाने में क्या डिफरेंस है आप खुद महसूस करके देखना कभी, तब पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास है माध्यम,
माध्यम, हवा, ग्लिसरीन, पानी और फोरानीमीटर और किसी भी धातु के लिए, ये है इसमें। तो अपन बात करें माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए बात करें तो कूलाम बल एफ एम माध्यम हो गया, एम का मतलब क्या हो गया मीडियम, मीडियम का मतलब क्या हो गया माध्यम, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम हो गया माध्यम हो गया, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड, चाहे तो फर्स्ट का सेकंड में भाग दे दो चाहे सेकंड का फर्स्ट में भाग दे दो। तो समीकरण एक भाग समीकरण दो, एफ हवा हो गया अपॉन एफ माध्यम, तो ये हो गया अपना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, एफ हवा इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जीरो एफ माध्यम। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी आएगी अपने पास, ये हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है, ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। इसके अकॉर्डिंग जो आएगा रिजल्ट निकल के उसको अपन क्या बोलेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता, पैराविद्युतांक, डाइइलेक्ट्रिक, वो किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि माध्यम के लिए लेंगे अपन तो रिजल्ट ये आएगा, तो एफ हवा अपॉन एफ माध्यम इक्वल टू, यहां जो ये जो रेशियो है इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन आर, क्या बोलते हैं इसको एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक विद्युत शीलता या पैरा विद्युत कांक, तो इसको बोल दिया एप्सिलॉन आर, आपेक्षिक विद्युत शीलता, साइड में लिख देता हूं यहां एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता और ये होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन देखो रटो मत, दो चीजें समझो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक, एप्सिलॉन एम है मीडियम, मीडियम हो गया, एप्सिलॉन जीरो किसकी है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी है, परमिटिविटी का मतलब समझ गए, परमिट देना, आप आ सकते हो आप जा सकते हो, परमिट होनी चाहिए उसके पास, मतलब एक फोर्स अटेम्प्ट होना चाहिए, वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड होगा, परमिशन देगा तभी वो चीज निकल के आएगी, अदरवाइज निकल के नहीं आएगी। आप दो बिंदुओं के या दो स्थिर आवेशों के मध्य जो बल लगा रहे हैं उसकी परमिशन दे रहे कि नहीं दे रहे वो मैं चीज है, इसमें नाम से मालूम हो जाएगा। तो आगे देखो ध्यान से, ये हो गया अपने पास एस माध्यम अपॉन एफ हवा, एफ माध्यम अपॉन एफ हवा इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें दो ही चीजें अपन लेके चल रहे हैं,
पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो माध्यम होता है अगर वो हवा या निर्वात ले अपन तब तो मैंने बता दिया था, और दूसरा माध्यम है अपन खाली माध्यम लेके चले वो हवा भी हो सकती है, वो धातु भी हो सकती है, कोई सा भी हो सकता है, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, बातें हैं ये रखनी है, आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी आपको। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसको अपन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं। एप्सिलॉन आर के यहाँ पे नाम है वो है, सुनो ध्यान से, आराम आराम से लिखो, मैं बोल रहा हूँ। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा नाम इसका पैराव्युतांक है। किसी वस्तु का पैराव्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। अब इसमें मैं चीज आगे दो कॉपी पेन उठाऊ, इसमें क्या आ गया, दो चीजें आगे निकल के, एक माध्यम के लिए आ गया, एक हवाई निर्वात माध्यम के लिए आ गया, दो चीजें आ गई। अब यहां एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर एप्सिलॉन आर के मान अलग अलग होते हैं, एप्सिलॉन आर के मान निम्न प्रकार, एप्सिलॉन आर का मान होता है एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि यहां एप्सिलॉन आर के मान है वो मैं लिख रहा हूं, कॉपी पेन में लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ले देखो एप्सिलॉन आर क्या है, यहां पैराव्युतांक, इसका दूसरा नाम क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको क्या बोलते हैं, पैराव्युतांक। एप्सिलॉन आर का मान यदि 1 है तो ये क्या है, निर्वात है, क्या है, निर्वात है। एप्सिलॉन आर का मान इंफिनिटी है तो वो क्या है, धातु है, कोई मेटल है, पहला निर्वात है, दूसरा क्या है, धातु, और तीसरा 1.00059 ये किसके लिए है, हवा के लिए, एयर के लिए। इसी वजह से हवा या निर्वात का अपन अमूमन 1:1 मानते हैं, जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेने वाली। मैंने आपको कूलम्ब नियम बताया, कूलम्ब नियम में मैंने क्या बताया आपको कि जब दो स्थिर वस्तुएं के मध्य लगने वाला बल जो होता है F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे K कॉन्स्टेंट है, K दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, नंबर एक मात्रक पद्धति पर, नंबर दो माध्यम पर, दोनों को मैंने एक्सप्लेनेशन इसका आराम से ब्रीफली करवा दिया। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन अपना है दो स्थिर आवेश हवा या निर्वात, हवा या निर्वात माध्यम में परस्पर r दूरी पर
स्थित है। तब लगा हुआ है इनके मध्य पीतल की छड़ रख देने पर उत्पन्न बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या बताया आपको, दो स्थिर आवेश के मध्य बल कितना है, 16 है। ये बल हो गए Q1 और Q2। इनके मध्य जो बल कितना है वो मैंने आपको बताया था, F इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर होगी फर्स्ट। अभी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यहां इसको मीडियम बना दिया, माध्यम बना दिया, तो माध्यम बना दिया, तो माध्यम बनाने के बाद में इसका रटन कैसे आएगा। मैंने देखो रटना नहीं, इसका सीधा सा एक उदाहरण है, जब भी आप ठोस से इन मीडियम निकालते हो तो फोर्स से इन एयर में एप्सिलॉन आर का भाग देना है, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी घट रही है, तो इसमें माध्यम के लिए आ जाएगा, माध्यम हो गया अभी तक उसके लिए आया था के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे जो के की वैल्यू थी वो थी 1/4π0 और यहाँ पे थी 4π0r अपॉन r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर होगी 2। जब अपन इसको ऐसे निकालते हैं तो अपने पास निकल के आता है ये फॉर्मूला, Fm इक्वल टू हो गया Fa अपॉन एप्सिलॉन r। और आपको पता है पीतल की छड़ क्या है, एक चालक धातु है, उसके लिए परावर्तन का मान कितना होता है, हमेशा इनफाइनाइट होता है, तो उसको अपन रख दिया यहाँ, किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का मान दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। अगले लेसन में, अगले क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उनके बारे में, और एक छोटा सा पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके बाय।